अब मैं बात उस चीज की करूंगा जो आज के सिनेरियो में चल रही है। 21 मई 2017 भीम आर्मी ने जंतर मंतर पर एक प्रोटेस्ट किया। इतना बड़ा प्रोटेस्ट जंतर मंतर के इतिहास में 4 या 5 ही हुए हैं। उस प्रोटेस्ट की खास बात यह थी कि उसमें जो भी आया वो दलित बनकर आया, SC ST बनकर आया। ये बात मनुवाली ताकतों को, प्रेजेंट गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई कि ये लोग एक साथ इतनी अच्छी तरह इकट्ठे कैसे हो गए। अब उन्होंने वो किया जो आज के सिनेरियो में हो रहा है। उन्होंने मीडिया को पकड़ा, एक बोर्ड के फोटो निकाले और उस पर दिखाया गया कि द ग्रेट चमार चंद्रशेखर रावण, उनका मकसद सिर्फ इतना सा था कि वो दलितों को बताए कि ये तुम सबकी लड़ाई नहीं, ये सिर्फ चमारों की लड़ाई है। उसके पीछे रीजन, उन्हें मालूम था कि ये अगर एक साथ मिल गए, इन्होंने अपनी ताकत समझ ली, तो ये आगे बहुत बहुत बड़े प्रोटेस्ट करने वाले हैं। मैं आपको इस मंच से एक बात बताना चाहूंगा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद और मुस्लिमीन में जो इत्तेहाद की बात है वो ये है कि सब एक साथ जुड़े, एक साथ इकट्ठा हो और इस लड़ाई को हम एज ए मुस्लिम समझते हैं कि हमें कितनी परेशानी हो रही है अपने मसलक, अपनी बिरादरियों को एक करने में। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर बाबा साहब ने आपको ST के नाम पर जो एक किया है, मैं समझता हूँ आपको उसमें जगड़े रहना है, उस खूबसूरत माला को कहीं से भी तोड़ना नहीं है। ये मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। अब बात आती है दलित और मुस्लिम्स की। पिछले कुछ दिनों से आपने महसूस किया होगा, क्योंकि एक पॉलिटिकल स्ट्रांगनेस हम लोगों को चाहिए, कोशिशें ये हो रही हैं कि किसी भी तरह पहले की तरह